बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कंपेयर करना है कॉलम्स को। 2 कॉलम्स अगर कंपेयर करने हैं या 3 कॉलम हमें कंपेयर करने हैं फार्मूलों की मदद से या फिर फंक्शन की मदद से, तो वो किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो के अंदर मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसकी टोटल 5 एग्जाम्पल मैं समझाऊँगा कंपेयर करने की डेटा को। तो सबसे पहली एग्जाम्पल जो है वो 2 कॉलम में अगर हमने कोई नाम लिखे हुए हैं और उनको मैच करना है हमें, तो सबसे पहला तरीका अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करें और उसको हाईलाइट करना चाह रहे हैं, डिपेंड करता है क्राइटेरिया या कंडीशन कि आप यूनिक हाईलाइट करना चाह रहे हैं या डुप्लिकेट हाईलाइट करना चाह रहे हैं। तो उसको सिलेक्ट करें कॉलम्स को और कंट्रोल के साथ इस कॉलम पे क्लिक, फर्स्ट सेल पे कंट्रोल के साथ, तो जो प्रीवियस सिलेक्शन है वो भी आपकी सिलेक्शन रहेगी और जो करंट आपने क्लिक किया कंट्रोल के साथ वो भी सिलेक्ट हो गया। शिफ्ट दबा के डाउन एरो दोनों कॉलम या जितने कॉलम में कंपेयर करना है वो सिलेक्ट करने के बाद कंडीशनल में जाएंगे, हाईलाइट में जाएंगे और यहाँ दिया हुआ है डुप्लीकेट वैल्यू। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ जो रिपीटेड वैल्यू होंगी डुप्लीकेट वो देखिए इस कलर से हाईलाइट होकर आ रही है। अगर कलर चेंज करना है हाईलाइट कर, तो यहाँ से डिफरेंट हाईलाइटिंग के कलर हैं सारे, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं जिस कलर से आपको हाईलाइट करनी है, सेम डुप्लीकेट वाले सेल वैल्यू। और अगर आप चाह रहे हैं कि जो यूनिक है वो कलर से हाईलाइट हो, तो यहाँ डुप्लीकेट में जाएंगे यूनिक। अब जो यूनिक होंगी रिपीट नहीं है वो दोनों कॉलम में वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी। तो ये तो हो गया एक तरीका। इसकी प्रीवियस वीडियो भी मैंने बनाई हुई है कंडीशन फॉर्मेटिंग की, सारी फॉर्मेटिंग किस तरह से अप्लाई होगी शार्प स्लैब यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। अपना फॉर्मेट वगैरह अगर देना तो हम कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन में जाते हैं। फिलहाल इसकी डिटेल में मैं नहीं जा रहा, ये सिर्फ हाईलाइट करने का बताना था ऑप्शन की मदद से। तो कंडीशन फॉर्मेटिंग का हमने यूज़ किया है, इसको मैं कर रहा हूँ कैंसिल। ओके करेंगे तो अप्लाई हो जाएगा और अगर ओके अप्लाई करने के बाद क्लियर करना है तो कंडीशनल में जाएंगे, लास्ट यहाँ पे आ रहा होगा मैनेज। मैनेज में जो कंडीशन हम देते हैं इधर ऐड हो जाती है, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, न्यू बना सकते हैं, डिलीट और अप्लाई और ओके। तो ये तो हो गया इस तरह से नॉर्मल। अब अगर हम यही चीज़ फार्मूलों से करें कि हम चाह रहे हैं फार्मूला हमें बताए कि इसमें कौन सी रिपीट है वैल्यू और कौन सी नहीं है, तो इस तरह आप फार्मूला भी लगा सकते हैं। इसमें 3 फार्मूले लगेंगे। फर्स्ट यहाँ पर हम VLOOKUP इस NA और इफ एरर का यूज़ करते हैं नॉर्मल, और फिर उसके बाद उसको कंडीशन फॉर्मेटिंग से भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे VLOOKUP अगर लगाऊँ तो लुकअप वैल्यू मैंने कहा इस सेल को चेक करें, कॉमा कहाँ चेक करें, मैंने कहा इस कॉलम में जो मेरे पास C1 से है C6 तक के नाम इस रेंज में देखें F4 कॉमा वैल्यू। कॉलम इंडेक्स पूछ रहा है तो 1 यानी फर्स्ट कॉलम की वैल्यू को देखना है तो कॉलम इंडेक्स में 1 आ जाएगा और 1 के बाद जैसे ही कॉमा लगाएंगे तो पूछेगा ट्रू अप्रॉक्सीमेट मैच या फॉल्स एग्जिट मैच, तो यहाँ पर हम लगाएंगे 0 एग्जिट मैच के लिए। और अगर आपको ट्रू करना होता है VLOOKUP में तो हम 1 भी लगा सकते हैं। फिलहाल अभी यहाँ एग्जिट मैच 0 करना है, एंटर। एंटर के बाद जैसे ही ड्रैग करेंगे तो जहाँ पे नाम मिलेंगे इसको वो ये आंसर देगा और जहाँ नहीं मिलेंगे तो NA एरर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो नाम है हमारे पास रिपीट वो सारे इसमें आ गए और जहाँ नहीं है वहाँ NA आ गया। तो इसके लिए हम कि एरर नहीं आए यहाँ पर इस NA का एरर फार्मूला लगा सकते हैं, इस NA और यहाँ पर ब्रैकेट कर देंगे क्लोज और एंटर करेंगे तो यहाँ फॉल्स आ जाएगा और जहाँ पर एरर होगा वहाँ ट्रू आ जाएगा। देखें इस तरह से। और इसी को अगर हम इफ़ कंडीशन के साथ दें ट्रू और फॉल्स ख़त्म करने के लिए, तो यहाँ पर इस NA से पहले इफ़ लगा दें, पूरा फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा। इस NA और VLOOKUP का जहाँ ब्रैकेट क्लोज हो रहा है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, तो फर्स्ट कंडीशन जो होगी मैंने कहा यहाँ पर हमें लिखी हुई प्रिंट करें मिसिंग और फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा फिर 2 ब्लैंक और फिर इन्वर्टेड 2 इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट क्लोज। अब मैंने कहा अगर जहाँ पर नहीं होगा एरर नहीं है वहाँ ब्लैंक हो जाए, तो इसलिए मैंने ये वाली कंडीशन जो एंड में दी है 2 ब्लैंक करा है। आप चाहे तो मिसिंग ट्रू रख रहे हैं, नॉ मिसिंग कर रहे हैं। तो ये मर्जी है आपकी। एंटर सेल पे आ जाएंगे जिसमें हमने फार्मूला लगाया, फर्स्ट सेल के लास्ट में आ जाएंगे, ड्रैग मोड कर्सर से इसको ड्रैग कर दें। तो ये हो गया एक दूसरा तरीका, कंडीशन फॉर्मेटिंग और फार्मूला से किस तरह से करेंगे। अब इसकी और आगे एडवांस एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, और इसी फार्मूले को कंडीशन फॉर्मेटिंग से अगर हमें देखना है कि कौन से नाम ऐसे हैं जो रिपीट नहीं है, तो इसके लिए जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसके फर्स्ट सेल में आ जाएंगे, कंडीशनल में आ जाएंगे न्यू, और न्यू में जाके यहाँ पर लास्ट दिया हुआ यूज़ फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल क्लिक, और यहाँ पर हम लगाएंगे इक्वल इस एन ए ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। कर्सर जो हमें रखना है वो फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट सेल पर रखना है, फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आएंगे इक्वल इस एन ए ब्रैकेट ओपन वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर वी लुकअप ब्रैकेट ओपन के बाद इसी सेल को सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे कर्सर था, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट सेल, इसका सेल एड्रेस आ जाएगा A1, और ये बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर साइन में आएगा लगा हुआ, कॉलम और रो से पहले इसको 3 दफ़ा F4 करेंगे, कॉमा, ये सिंपल डॉलर के बगैर रखना है सेल आपको डॉलर साइन के, क्योंकि फिक्स हो जाता है डॉलर साइन से और हमें यहाँ फिक्स नहीं करना, कॉमा, ऑल, कॉलम सेकंड वाला सिलेक्ट, इसकी रेंज आ रही है C1 से C6, ये इसी तरह एब्सोल्यूट रहेगी डॉलर साइन के साथ, कॉमा, कॉलम 1, कॉमा, एग्जिट मैच के लिए मैंने बताया 0, दोनों ब्रैकेट इससे ने VLOOKUP क्लोज, फॉर्मेट जो भी आपको यहाँ कलर में हाईलाइट करना है सिलेक्ट कर लें, फॉन्ट कलर ओके ओके कर दें, ओके कर दें। अब इस सेल में कर्सर है तो इसको ड्रैग करना है हमें फॉर्मेटिंग को कंडीशनल की कि हाईलाइट हो डेटा अगर हमारे पास जो यूनिक है, फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करेंगे और इस सेल से क्लिक करते हुए तमाम सेल सिलेक्ट। अब जो यूनिक नाम होंगे वो देखें हमारे सारे हाईलाइट हो गए और जो रिपीटेड नाम है उसको छोड़ दिया। और अगर यही काम आपको डुप्लीकेट चेक करना है तो फिर इस सेल पे कर्सर रखकर यही सेम फार्मूला आपको अप्लाई करना है, फर्स्ट ये सेल सेलेक्ट करेंगे और फिर ऑल कॉलम ये वाला सिलेक्ट होगा फर्स्ट वाला। तो ये हो गया थर्ड एग्जांपल फार्मूला से, फर्स्ट कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये वाली कंडीशनल फॉर्मेटिंग एग्जांपल। और मज़ीद कंडीशंस को समझने की कोशिश करेंगे। शीट 2 पे आ जाते हैं। अब यहाँ जो रिपीटेड एक जैसे नाम है उनको मुझे चाहिए मैच या नो मैच, यानी 2 कॉलम हमें कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन ये सेल बराबर है इस सेल के सेकंड यानी फर्स्ट कॉलम का सेल और फिर सिलेक्ट सेकंड कॉलम का सेल, अगर बराबर होगा तो ट्रू कंडीशन में हमने कहा यहाँ लिखा हुआ आ जाए मैच वैल्यू एफ ट्रू फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, और अगर ऐसा नहीं है तो वैल्यू एफ फॉल्स में ब्लैंक करें। तो ये इस तरह से भी एक चेक करने का तरीका है, ड्रैग करके देख लेते हैं, जहाँ मैच होगा तो मैच और जहाँ नहीं होगा चेंज होगी वैल्यू तो वहाँ पर हमारा ब्लैंक हुआ आ जाएगा। और सिंपल अगर हमें ट्रू और फॉल्स में देखना है तो इसके लिए हम इस तरह भी कर सकते हैं, इक्वल फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा, इसका सेल एड्रेस आ रहा है A2, मैंने कहा फिर अगेन इक्वल का साइन और उसके बाद सेलेक्ट सेकंड, अगर ये बराबर है इसके तो अगर ऐसा है तो ट्रू आएगा और अगर ऐसा नहीं है तो फॉल्स। ड्रैग करके देख लेते हैं। तो ये एक तरीका इस तरह से भी चेक करने का हो सकता है, कंपेयर करने का। कॉलम्स एग्जाम्पल अदर में जाते हैं और मज़ीद आगे। अगर 3 कंडीशंस हैं, 3 कॉलम्स के अंदर हमें सेम वैल्यू चेक करनी है तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लगाएंगे इफ़ ब्रैकेट ओपन और उसके साथ लगा देंगे एंड, और ये टॉप पे नहीं लगेगा, इसका सेकंड जहाँ पर हेडिंग्स आ रही है यहाँ पर। इफ ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे और मैंने कहा ये बराबर है इसके, अगेन कॉमा, फिर मैंने फर्स्ट सेल सेलेक्ट करा A2, फिर मैंने कहा अगर ये बराबर है इसके, ये कंडीशन देने के बाद यहाँ एंड का ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अदर में आप ट्रू और फॉल्स कंडीशन जो भी आपको प्रिंट करनी है सेल में यहाँ पर टाइप करेंगे, फिर इन्वर्टेड कॉमा कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, अदर में मैंने कहा नो मैच, फिर इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सेल में सही है, फर्स्ट में 1 1 है तीनों में कॉलम के अंदर तो कह रहा है मैच, ड्रैग करके देख लेते हैं। अब देखें यहाँ डेट चेंज है 1 जनवरी और लास्ट में आ रहा है 2 जनवरी, तो यहाँ 9 मैच आ गया। फिर उसके बाद टाइम चेंज है यहाँ पे 9 मैच। कंडीशन फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई कर सकते हैं हाईलाइट करने के लिए डाटा को। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, फर्स्ट वीडियो देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। इसी तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो कर लें, ब्लॉग और फेसबुक वगैरह को, और इस फाइल को डाउनलोड कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मजीद वीडियो के लिंक्स मिल जाएंगे, वो भी आप वॉच कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।